हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरीक्षा फ्रॉम माय कॉलेज बड़ी एंड आज मैं आपको डीयू के पीजी एडमिशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाली हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके डाउट या क्वेरी से। तो अगर आपको डीयू के पीजी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होगा, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहां पे जो पीजी एडमिशन करके एक आपको सेक्शन दिखेगा, आप उस पर टैप करेंगे एंड फिर आपके पास एक नया स्क्रीन पॉप आउट हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा पीजी एडमिशन सब मेन्यू। उन सब मेन्यू में काफी सारे ऑप्शंस होंगे एंड अगर आपको डीयू के किसी कॉलेज से रिलेटेड डाउट है तो वहाँ पे एक हेल्प डेस्क करके ऑप्शन होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया पीडीएफ पॉप आउट हो जाएगा, आपको उस पीडीएफ में लाइन में सारे कॉलेजेस दिखेंगे, उन कॉलेज के सामने उनके हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडी सब कुछ दिखेगी। तो अगर आपको उस कॉलेज पे इंटरेस्ट है या आपको उस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस जानना है, कुछ भी उस कॉलेज रिलेटेड आपको इन्फो जाननी है, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब सेकेंडली आता है सीयूईटी पीजी। अगर आपको उससे रिलेटेड डाउट या क्वेरी है आपको, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि उसी सब मेन्यू में वापस जाएंगे पीजी एडमिशन के। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा FAQ करके। अब आपको FAQ में क्लिक करना है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, लाइक स्टार्टिंग ही बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर से करी होगी और वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो काफी कॉमन है, सो लाइक चांसेस है कि आपका क्वेश्चन उन्हीं के क्वेश्चन से मैच कर जाए, कहीं ना कहीं पे आपको आपका आंसर पहले ही मिल जाए। एंड इफ आपका उसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे एक चैट बॉट भी अवेलेबल है, अब वहाँ पे जाके फिर अपना सीयूईटी रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि अगर आपको कॉलेज रिलेटेड डाउट है तो आपको हेल्प डेस्क पे जाना है एंड अगर आपको सीयूईटी पीजी एडमिशन से रिलेटेड डाउट है तो आपको FAQ पे जाना है। और एक और डाउट मैं भी क्लियर कर देती हूँ आप लोगों के। तो अगर आपका क्वेश्चन गैप ईयर से रिलेटेड है कि लाइक आपका गैप ईयर से कोई दिक्कत तो नहीं होगी एडमिशन वगैरह में, तो इसका आंसर है नहीं, गैप ईयर होने के बाद भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब क्लियर होगा। तो अब दूसरा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये था कि क्या आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसका आंसर ये है कि नहीं, ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके डीयू के एडमिशन प्रोसेस में मैटर नहीं करेंगे। जो चीज मैटर करेगी वो होगी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कि हाँ तुमने कर रखा है ग्रेजुएशन। दूसरा आपके सीयूईटी के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे आपके एडमिशन प्रोसेस में। तो इन शॉर्ट इसका यही है कि आपका बस सीयूईटी के मार्क्स ही मैटर करेंगे पूरे आपके एडमिशन प्रोसेस। आपके किसी और मेरिट के बेसिस पे कुछ एडमिशन या कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल रही है, तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें हम एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस में वही सेम सीन है, आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा एंड देन आप अलग अलग जाके सारे कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस को अटेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इन्फो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको कॉलेज रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके हमारे कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।